Good morning, students. Let's we continue with the chapter number four. Okay, the earliest civilization. We have already do the some topic in previous class like how the industrial civilization discovered, in which area they were settled, what type of people lived, and what are their town planning. Now, in the some class, in this class, we are going to do. द टॉपिक लाइक देयर हाउसेस एग्रीकल्चर इस्क्रिप्ट एंड द डिकाइन ओके ओके जनरली द हाउसेज आइदर वन और टू स्टोरी तो उस समय जो लोअर टाउन में हाउसेज बनाए जाते थे जहाँ पे कॉमन पर्सन लाइक आर्टिशियन क्राफ्टमैन लोग रहते थे उनके जो घर थे एक या दो स्टोरी के हुआ करते थे दे हेव द सेपरेट रूम फॉर इच पर्पज तो उनके पास सेप्रेट रूम हुआ करते थे कोर्टयार्ड हुआ करता था ठीक है दे है वो वॉशिंग स्पेस नहाने के लिए वॉशिंग के लिए उनके पास अलग स्पेस हुआ करता था एंड दे हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम उस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम था उनका बहुत ही वेल डेवलप था तो घरों से एक छोटी ड्रेनेज निकाली जाती थी जो किचन के या बाथरूम के गंदे पानी को ले जाकर रोड के किनारे साइड में जो मेन ड्रेनेज सिस्टम बनाए रहते थे उस पर लेके जाया जाता था और वो जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है जो वेस्ट वाटर है उसको कहाँ लेके जाते थे फील्ड में किसके लिए इरिगेशन के लिए एंड दे कवर दिस ड्रेनेज सिस्टम वो इनको ढक के रखा जाता था और अगर नाली जाम या चौक हो जाती थी तो दे रिमूव द कवर एंड दे कैन टैकल और उसमें सुधार का काम करता जाता था एग्रीकल्चर इज वॉज द मेन ऑक्युपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल क्रॉप अच एच वीट बार्ली एंड पीज बनाना वेयर रेज इन ओल्डन डेज देयर वॉज एन अफ रेंड इन द रीजन एंड ऑक्रजनली फ्लड्स ब्रॉड द ग्रेट डील ऑफ द फर्टाइल सॉयल तो जो हमारे पीपल थे इंडस वैली के देयर मेन ऑक्युपेशन था एग्रीकल्चर देर ग्रो द व वीट बनाना बार्ली ओके वाई बिकॉज दिस रीजन हैज़ अ गुड रेनफॉल एक अच्छी पानी गिरते होने के कारण ओके इवन दे डोमेस्टिकेटेड द एनिमल लाइक शीप गोट ऑक्सेन ओके द इंदस स्क्रिप्ट इज द रिटर्न सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंदस वैली सिविलाइजेशन एंड इट इज द अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ द राइटिंग नॉन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो जो हमारी जो राइटिंग सिस्टम थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक प्रकार से हम कह सकते हैं देन थी ओके एंड इट इज़ द अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ द राइटिंग नोइंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द ओरिजिन ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज पुअरली अंडरस्टूड दिस राइटिंग सिस्टम रिमेन्स प्रिसेप्टेड, तो ये जो राइटिंग सिस्टम उन्होंने यूज़ की थी कोई भाषा इन्होंने यूज़ नहीं की थी दे यूज़ द पिक्टोग्राफ मतलब वो पिक्चरों के माध्यम से एक दूसरे से बातें किया करते थे और इसी कारण जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट है या हिस्टोरियन है आज तक के इस सील की बहुत सी स्टडी करने के बाद भी नहीं जान पाए कि वो किस प्रकार इन पिक्टोग्राफ के द्वारा एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे तो हम यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं देखिए वन बुल एलिफेंट ओके दिस आर द सम पिक्टोग्राफ यूज बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपुल ट्रेड एंड कॉमर्स द इंडस पीपुल वे आर जनरली रिलिएंट ऑन ट्रेड दे ट्रेड विद द मैनी डिफरेंट सिविलाइजेशन लाइक परशिया मैसोपोटानिया एंड चाइना सम गुड्स डेट वेयर ट्रेडेड वर टेरोकोटापॉट्स बीट्स गोल्ड सिल्वर तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेड और कॉमर्स पर भी डिपेंड थे तो वे भारत में तो करते ही थे बिजनेस विद इन अ इंडिया बट दे हैव द सम ट्रेड रिलेशन विद द कंट्री लाइक रश परसिया मैसोपोटानिया China, and they deal with the terracotta, beads, gold, okay, silver. The people of the Indus Valley civilization made a living for themselves by trading the different goods. Trading of the different goods helped the Indus civilization to expand its culture. So we, एक दूसरे उस समय रुपए पैसे नहीं थे तो बाटर सिस्टम चलता था तो वे चीज़ों के आदान प्रदान के द्वारा इस प्रकार से वे अपने कल्चर को भी बढ़ावा दे रहे थे ओके नाउ अब सबसे बड़ी बात उनका रिलीजन क्या था और वो इतनी बड़ी जो सभ्यता थी सिविलाइजेशन थी वो क्यों या किस कारण से डिक्लाइन हो गई दे वर्शिप द अर्थ गॉड इज फॉर द फर्टाइल लैंड द पीपल ऑफ द हरपन वर हाईली रिलीजियस एंड दे हैव द दीप फेट इन द गॉड तो वे मदर गॉड की पूजा करते थे और उनको भगवान के ऊपर बड़ी श्रद्धा या आस्था थी द सिम्बॉल ऑफ द स्वास्तिक एंड चक्र आर ऑल्सो फाउंड इन इन दस वैली सिविलाइजेशन तो जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे उनको खुदाई के समय एक्सीवेशन के समय जो हमको टेराकोटा मिला उसमें उन्होंने स्वास्तिक और चक्र का सिम्बॉल वाला मिला था इवन दे फाउंडेड द लॉर्ड शिवा इन सिटिंग पोजीशन और उन्होंने लॉर्ड शिवा की भी पिक्टोग्राफ ढूंढी जिसमें वे एक बैठे हुए है और उनके चारों तरफ एनिमल्स है ठीक है जैसे टाइगर एलिफेंट राइनोलाइक एंड दे हैव फेसेस इन द डिफरेंट डायरेक्शंस नाउ अब हम बात करते हैं डिक्लाइन इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो डिक्लाइन हुई आर्कोलॉजिस्ट या जो हमारे हिस्टोलिय हिस्टोरियन है उनको कोई भी पक्का प्रमाण नहीं मिला कि ये जो हमारी सिविलाइजेशन है क्यों और किस लिए डिक्लाइन हुई है तो कुछ कहते हैं कि बाहर से कुछ विदेशी ताकतों ने इन पर आक्रमण किया इसी कारण इनका डिक्लाइन हुआ कुछ कहते हैं कि आगे समय बदला उस जहाँ एरिया में वे रहते थे वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं गिरा आकाल की स्थिति हुई जिसके कारण ये सभ्यता या तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई या लोग दूसरे जगह चले गए कुछ का मानना ये भी है कि नेचुरल डिज़ीज़ कुछ नेचुरल डिजीज़ के कारण ये लोग सरवाइव नहीं कर पाए ठीक है तो ये कुछ रीज़न है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्ले के कारण बने